रवां वर्ष 25 अरब रुपए से ज़ायद आमदनी के दावे। दूसरी जानब महकमा रेलवे ने बड़ी तादाद में ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद ट्रेनें प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया है। प्राइवेटाइज की जाने वाली ट्रेनों में मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। अहमद बताएगा मजीद कौन कौन सी ट्रेनें इस का हिस्सा होंगी। रेलवे हेडक्वार्टर का 20 से ज्यादा ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला किया गया है। प्राइवेट की जाने वाली ट्रेनों में मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। इंतजामिया जिम्मेदारी से बचने के लिए ट्रेनों को प्राइवेट करना चाहती है। ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, गुलान मेल शामिल है, जबकि हजारा एक्सप्रेस, हल सखर, मोजोदाड़ो, मार्जी, बाहुदी, जसरिया और दीगर रावलपिंडी एक्सप्रेस भी इसमें शामिल की गई है। 20 से ज्यादा मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। ज़राए का बताना है रेलवे कमर्शियल डिपार्टमेंट जल्द ही ट्रेनों के आउटसोर्स के लिए टेंडर भी जारी करेगा। ट्रेनों की प्राइवेट करने से मुसाफिरों को बेहतरीन सबसे सुविधाएं फराहम की जाएंगी, महकमा रेलवे का ऐसा दावा किया है। ठीक है अहमद हसन, आपका शुक्रिया, आपने निगाह किया।